हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक माय चैनल स्टाइल विद पल्लवी। और आप लोग कैसे आए हो? सो कि आप लोग अच्छे हैं। ये है मेरा न्यू ब्लॉग वीडियो। आपको लोकेशन देख के पता चल ही गया होगा कि मैं कहाँ पे हूँ। मैं अपने ससुराल गांव में आई हूँ। और देखिए कितना अच्छा व्यू है, कितना अच्छा व्यू है। सब एकदम ग्रीन दिख रहा है। एंड वीडियोस मेरी पोस्ट नहीं हो पा रही थी, उसका कारण है जो मैंने प्रीवियस ब्लॉग डाला था उसका, गणेश चतुर्थी का। तो उसमें उसके बाद से मैंने कोई भी अभी जस्ट पोस्ट किया, एक दो दिन हुआ। तो उसमें मैंने बताया कि गणेश चतुर्थी का जो था उसी दिन हम लोग तैयारी कर रहे थे। ठीक उसी दिन मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी कि क्या हुआ मेरी ब्लॉग्स और डिजाइन फैशन वीडियोस क्यों नहीं जा रहे थे। तो मैं उसको ब्लॉग के एंड में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एंड तब तक आप लोग गांव का व्यू एंजॉय करिए, बहुत ही प्रिटी सी है। और मैं भी थोड़ा गांव वाली लग रही हूँ। हेलो, क्या ली है दिखाइए। परिवार शाही मिक्सचर, खोलिए उसको। का व्यू बहुत ही अच्छा था क्योंकि बारिश की वजह से सब हरा हरा, आप देख सकते हैं एकदम हरियाली छाई हुई है। जैसे लग रहा है कि कहाँ मैं आ गई हूँ, वादियों में। और बहुत ही ज़्यादा वाला सुंदर सा व्यू था। मैंने कैप्चर किया इसको इसलिए कि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। और डीजा एकदम परेशान है, मस्ती के मूड में है। तो ये है डे टू है अभी। मतलब कि मैं ना एकदम से परेशान हो गई हूँ। तो यहाँ लाइट की प्रॉब्लम है और हर एक चीज़ की प्रॉब्लम है, मैं बता नहीं सकती। और बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और अभी मैंने जस्ट ये देखिए गैस पे आलू चढ़ाया हुआ है। और देखते हैं आज फलहार है और हुआ क्या है, मैं क्यों आई हूँ। मैं इस ब्लॉग के एंड में ज़रूर बता दूँगी, एंड करते करते बता दूँगी कि मैं गांव क्यों आई हूँ। और आई नीड सलोन, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं यहाँ से जाऊँगी, फिर जाऊँगी सब। तीज भी आ रही है, उसकी भी तैयारियाँ करनी है। तो कैसे मैं तीज का क्या क्या करती हूँ इस बार मैं आप लोग के साथ आई हूँ किसे। उसके बाद मैं बनाने लग गई थी फलहार का आलू, क्योंकि बाहर जैसे खाना नहीं बनता तो इसलिए आलू फ्राई कर रही थी। इसमें मैंने ज़ीरा और काले मिर्च, ये सेंधा नमक और ये लाल मिर्च पीसी और सब ऐड किया। एंड उसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और यहाँ ये देखिए थोड़ा हल्का हल्का पक गया है, बट इसको थोड़ा सा और क्रिस्पी बनाऊँगी मैं। 10 से 5 मिनट और इसको पकाऊँगी। एंड इसके बाद ऊपर से मैं हरी धनिया डालूंगी, थोड़ा सा इसका फ्लेवर और देखने में भी थोड़ा अच्छा लगता है। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि देखने में ये कैसा लग रहा है। मेरी चाय पक गई और हो गया मेरा आलू कंप्लीट। तो चलिए, तो यहाँ आई हूँ मैं छत पे और ये लास्ट डे है मेरे ससुराल का। मैं सॉरी दिखा नहीं पाई, यहाँ का ब्लॉगिंग वगैरह नहीं करना था क्योंकि जो मुझे शेयर करना था ये बताना था कि मेरी दादी सास एक्सपायर हो गई थी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे थे। बट आज उनका लास्ट डे है इधर का, 13वीं है। और इसके बाद मैं कल मायके चली जाऊँगी। मायके का आई होप कि मैं पूरा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँ और जितने भी दिन रहने हैं। मेरी बैंड बजी पड़ी है इधर। तो ये है, वीडियोज इसलिए नहीं अपलोड हो पा रही है, इसकी वजह से मेरे चैनल पे भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा है इधर उधर दौड़ना भागना में। लेकिन अभी देखती हूँ प्रॉपर काम करने की कोशिश करूँगी उधर से जाने के बाद। ये मिनी ब्लॉग है छोटू सा एकदम,
तो आई होप कि आप लोग इसको लाइक करेंगे और बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा। तो ये था, एंड यहाँ से मैं कल निकल जाऊँगी, देखती हूँ अगर हो सके तो मैं कल से ही मतलब अपने मायके का ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ आप लोगों के साथ। तो फटाफट से मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा।